यहाँ से एक गाड़ी अनबैलेंस होते हुए कुछ लोगों को ठेला वाला के साथ मारते हुए आगे बढ़ी है, जिसमें अनेक लोगों को लेफ्ट राइट धक्का लगते हुए घायल करते हुए आगे जाके स्वयं एक्सीडेंट हो गया। लमसम कितने लोगों को धक्का लगा है? लगभग 8 से 10। कोई आदमी मतलब गंभीर रूप से जो घायल थे उनको शायद मेडिकल रेफर किया गया है, दो लोगों को। और गाड़ी वाले का कुछ पता है कि गाड़ी वाले अय्यापुर थाना वहां पहुंची है, तो उनको लेके गाड़ी और ड्राइवर दोनों को ले गया। सेंट्रो, मेरा नाम जितेंद्र मिश्रा, अय्यापुर दुकान है जी, किसी का मिश्रा मोबाइल। सर हम मुजफ्फरपुर से विश्वकर्मा पूजा करने के बाद प्रसादी उसादी बांटने के बाद घर चल गए थे 4 बजे। तो कृष्णा सिनेमा में काम करते हैं, मॉल के नीचे में। उसके बाद हम घर चले गए, घर खाना वाना बनवाए, फिर खाना वाना लिए खाए, और फिर साइकिल से जैसे कि हम ड्यूटी आ रहे थे सर, मेरा नाइट ड्यूटी है सर, और नाइट ड्यूटी आ रहे थे उसी समय ये घटना जैसे कि हुआ। क्या देखे घटना में क्या हुआ, कैसे हुआ सर? क्या हुआ ये तो हमको अंदाज़ा नहीं है सर, हम तो पूरा बेहोश हो गए थे, इसलिए हमको पता नहीं है क्या मेरे साथ हुआ। आप किस चीज़ से जा रहे थे सर? साइकिल से। कहाँ पे ये घटना सर ये नहीं पता है, कहाँ से जगह पर आपको? आप कहाँ थे सर? हम साइकिल से जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे जी? मुजफ्फरपुर। आप कहाँ पे थे जब घटना हुई? सर हम बकरी से आगे निकले हुए थे, ठीक है। उसके बाद अंदाज़ा नहीं था जो हम कहाँ पर है, हम लेट हो रहा था, इसके चक्कर में जाने के समय में जैसे कि हम टाइम नहीं देख रहे थे, उसी में जैसे कि यह धक्का लगा है। गाड़ी का स्थिति क्या रहा हुआ जिसमें धक्का मारा है उसमें? सर ये तो नहीं पता है, लेकिन हम गाड़ी को देखो नहीं किए हैं, तो लगा हम बेहोश हो गए, उसके बाद हमको कुछ नहीं पता है। क्या नाम हुआ सर? दरोगा है। कहाँ के रहने वाले? मिर्जापुर थाना। अच्छी से थे? फोर व्हीलर से है, फोर व्हीलर कार है, मद्रास नंबर है, उसी से इनको लगा। कब की घटना है? ये घटना है 9 बजे करीब तकरीबन, आज जी नहीं कल 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 9 बजे रात्रि जी, रात्रि। क्या नाम था इनका? गणेश राय, गणेश यादव। पिताजी का नाम? पिता स्वर्गीय राजेंद्र राय। कहाँ घर है? भगवतीपुर। भगवतीपुर जी, थाना अय्यापुर। मैं बता देता हूँ कि कल रात में ये घटना घटी है, और इस घटना में जैसे इन लोगों के माध्यम से पता चला है कि एक गाड़ी मालिक पता नहीं क्या करके वो आ रहे थे, और सड़क के माध्यम से 2-3 आदमी को रौंदते हुए चला गया। ऐसे लग रहा है जैसे कि एकदम ये इंसान को बकरी के समान रौंद दिया गया है, और अब सामने आपके सामने लाश रखी हुई है, ये लाश पड़ा हुआ है, ये गणेश राय जी हैं, और इससे स्पष्ट होता रहा कि इस तरह से निर्दयी की तरह इनका हत्या किया गया है। इसे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई दुश्मनी का बदला लेके क्या लिया, इसलिए मैं सरकार से ये मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द इनकी जो उचित सरकार के व्यवधा है, सुविधा है, उनको मुहैया कराएं। माँ जानकी में इनका इलाज चल रहा था कल, उसी के क्रम में इनका जब ये सीरियस हुए तो वहाँ से रेफर करके पटना PMC भेजा गया, उसी रास्ते के क्रम में इनका देहांत हुआ, वहाँ के बाद यहाँ आया गया, और जो प्रोसेस हो रहा है वहाँ यहाँ चालू है। अपना परिचय क्या हुआ? विष्णु यादव, प्रदेश महासचिव, छात्र राष्ट्रीय जनता दल, बिहार। आपको आता है सच का आईना।